नमस्कार, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज का दिन हमारे चैनल के लिए बहुत ही लकी दिन था। मतलब हमारी मुलाकात हिंदी के प्रमुख आलोचक, मीडिया एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, लेखक सुधीश पचौरी जी के साथ हुई। वे हमारे शहर में कोल्लम में, केरल में कोल्लम में आए। कोल्लम एसएन विमेंस कॉलेज में एक इंटरनेशनल सेमिनार में उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने अपने शोधार्थियों के लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे कि उनसे बात होगी, लेकिन बात करते करते उन्होंने अपनी इंटरव्यू इतना एक्सक्लूसिव हो गया। जैसे हमारा चैनल बहुत ही लकी है और आभारी है उनके प्रति। उन्होंने बहुत ही सही टाइम निकाल कर बड़े ही अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि उनके लेखन के बारे में, उनके मीडिया कैसे, वो मीडिया की ओर आए और कैसे एक कट्टर मार्क्सवादी, उनका परिवर्तन कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की ओर हुआ। और मैं हमेशा सोचती थी वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर हैं और इंग्लिश की जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी जो थियोरीज़ हैं, खास करके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, उत्तर संरचनावाद, ये सब बहुत ही क्लिष्ट थियोरीज़ हैं। तो इन्हें उन्होंने कितने मतलब कि श्रम करके उसे हिंदी में, हिंदी के छात्रों के लिए सरल शब्दों में उपलब्ध कराया। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो ग्लोबल लिटरेचर में जो जो नई नई थियोरीज आ रहे हैं उससे हिंदी के छात्र एकदम वंचित रह जाते। तो मुझे इस साक्षात्कार से उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार उनका जो श्रम है वो हिंदी छात्रों को के लिए था। मतलब कि हिंदी का कोई छात्र दूसरों से कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही उनके व्यक्तित्व की एक खासियत हम कह सकते हैं। और आपको पता ही है उनकी मीडिया के हर हलचल पर, हर करवट पर उनकी तीखी नज़र होती है हर रोज़। अब केवल तीखी नज़र नहीं रखते, वो उस पर खुल कर लिखते हैं, बेबाकी से लिखते हैं। उनका एक कटाक्ष करने का एक स्टाइल ही अलग है। उनके मीडिया से संबंधित अगर बुक्स आप देखेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कैसे वो निडर होकर लिखते हैं। इसीलिए मैं उनके बहुत ही मेरी फेवरेट आलोचक हैं। और वैसे भी समकालीन जो आलोचना जगत है उसके बारे में उन्होंने कहा, रिसर्च सिनेरियो के बारे में, आज हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और हिंदी भाषा को अगर स्ट्रॉन्ग बनना है दूसरी भाषाओं के मुकाबले में, अगर हमें लड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सी बातें उनके इस इंटरव्यू से हमें मिला। तो इतने बड़े आलोचक, करीब 50 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और उसमें से भी पोस्ट मॉडर्निज्म और मीडिया वाले तो बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है। तो इतने बिजी रहकर भी, इतने महान लेखक, लेकिन उन्होंने हमारी शंकाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया है अपने साक्षात्कार में। तो आइए देखते हैं उनका साक्षात्कार और हम में एक अध्यापक के रूप में और शोधार्थी के रूप में क्या बदलाव आना चाहिए हिंदी के प्रति। अगर हम हिंदी पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं तो हम में क्या बदलाव आना चाहिए, वो ये साक्षात्कार देखकर हमें निश्चित करना है। तो आइए जाते हैं साक्षात्कार की ओर डॉक्टर सुधीश पचौरी से। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रो वाइस चांसलर, मीडिया एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, आलोचक, लेखक, इतने सारे रोल आपने अदा किए हैं, इनमें किस रोल से आप सबसे ज्यादा अपने आप को रिलेट करते हैं? मतलब सबसे अधिक खुशी आपको कब मिलती है? लिखने से, लेखक है तो लिखने से मिलती है, रोज के लिखने से मिलती है, अच्छा लगता है। अच्छा। जब आप कम्युनिकेट कर देते हैं, जब आप अपनी बात कह पाते हैं, और जब आप नहीं कह पाते तो बड़ा बुरा लगता है। आपके लेखन के द्वारा पूरे साहित्य जगत में, खास करके हिंदी साहित्य जगत में, उसमें भी विशेषकर आपने जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो पुस्तकें लिखी हैं और मीडिया से संबंधित, वो साहित्य जगत हमेशा आपके प्रति आभारी रहेगा, क्योंकि अदरवाइज हिंदी साहित्य की स्थिति ऐसी थी
कि आलोचना का कर्म मतलब कि सुई उसकी सुई करीब रुक सी गई थी। तो ग्लोबल साहित्य में जो कुछ हलचलें हो रही हैं आपके लेखन से ही हम परिचित हुए हैं। देखिए, ये आप थोड़ी उदारता से, जैसे कहना चाहिए कि बहुत बहुत ही उदार आशय से आप बोल रही हैं। जिनको जरूरत होती है वो चीजें खोज लेते हैं। समाज में जो हमारी सोसाइटी है, खासकर हिंदी वाला समाज, अगर उन्हें जरूरत होती है तो वो अपने आप खोज लाते हैं। जैसे कि कोई बीमार है तो इलाज खोज लाएगा। तो मुझे पक्का नहीं है कि जो मैंने लिखा है उसका कोई कल माने होगा। मैं आज के लिए लिखता हूँ, रोज के लिए लिखता हूँ। मेरा ये लगभग, सॉरी, मेरी आदत में है डेली लिखना। कॉलम लिखने का, एक अच्छी ट्रेनिंग कॉलम से लिखने से ये हो जाती है कि आपको अपने लिखने पर पूरा एक कंट्रोल आ जाता है, धीरे 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 आता है। मैं उन प्रतिभाशालियों में से नहीं हूँ जो लिखना शुरू कर दें तो एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास से आता है। तो जब हमने कॉलम लिखना शुरू किया जनसत्ता में, करीब 1985 में, 85 अक्टूबर, प्रभाष जोशी जी संपादक थे, उन्होंने कहा कि टेलीविजन के लिए रिव्यू कीजिए आप, टेलीविजन का, रेडियो का। तो हमको कुछ नहीं आता था, हम तो जैसे रिफ्लेक्ट करते थे, जो टेलीविजन देखते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते थे। तो हमने वीकली लिखना शुरू कर दिया, तो हम टेलीविजन को बड़ा ध्यान से देखते थे और नोट्स भी लेते जाते थे। तो वो नोट्स लेने की जो प्रक्रिया है वो आज तक मेरी जारी है। मैं टीवी देखता हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो न्यूज़ का हो। अब तो न्यूज़ में ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि वही एंटरटेनमेंट सबसे अब बड़ा है। तो हम नोट्स लेते थे, तो हम नोट्स लेते जाते थे। अब उस एक समस्या क्या थी कि टेलीविजन का तो प्रोग्राम चला गया, आया चला गया, मंडे आया चला गया, ट्यूसडे आया चला गया, वेंसडे आया चला गया, उससे पहले सैटरडे आया चला गया, संडे आया चला गया। तो नोट्स हमको उसे रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते थे कि उस दृश्य को हम दोबारा अपने दिमाग में देखें और फिर उस पर कमेंट करें। फिर हमने कुछ थ्योरी की किताबें, सिद्धांत की किताबें टेलीविजन की पढ़नी शुरू की कि ये मीडियम है क्या, ये मीडिया है क्या, ये कैसे काम करता है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, कैमरा कैसे काम करता है। अब आप किसी चीज को दिखा रहे हैं तो मैसेज कहाँ जा रहा है, एडिटिंग क्या होती है, तमाम चीजें देखी। तो उसमें एक चीज जो हमने पाई कि टेलीविजन आपको इनवाइट करता है कि आप उसे कंडेम करें कि बहुत खराब है, ये संस्कृति को बिगाड़ रहा है और ये तो बड़ा नुकसान करेगा भारतीय संस्कृति को, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, उसमें ये इस तरह की लड़कियां नजर आ रही हैं, इस तरह के लोग नजर आ रहे हैं, ये हमको भोक्ता बना रहा है। तो बहुत से पीसेस जब हम लिखते थे तो उसमें निंदा और कंडमनेशन की टोन होती थी। लेकिन एक मीडियम है जिसमें दूरदर्शन, सरकार का पैसा लगा हुआ है, तब तो सरकार का ही था दूरदर्शन, प्राइवेट नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ खराब हो, ये हमारे मन में शंका आती थी। लेकिन ज्यादातर जो कमेंटेटर्स थे उस वक्त के, जो हम जब लिख रहे थे और अखबारों में लिखते थे, वो तो कंडम करके चले जाते थे, ये खराब है, ये खराब है। तो हर आर्टिकल, हर रिव्यू नेगेटिव कंक्लूजन की तरफ जाता था, यानी कहता था बंद कर दो दूरदर्शन को। सरकार कह रही है कि नहीं भाई, हम तो बंद नहीं करते हैं, तो सरकार का टूल है ये, फिर सूचना दे रहा है हमको, हमको रामायण दिखा रहा है, हमको महाभारत दिखा रहा है, हमको और बहुत से एंटरटेनमेंट दिखा रहा है जो बिल्कुल नए ढंग के हैं, जो पुराने नहीं है, और नए नए नौजवानों को हीरो बना रहा है, नए नए बच्चे आ रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव नहीं है, ये मैं सोचना शुरू किया। तब क्या करें, तब इसकी आलोचना कैसे करें। वहां क्या हुआ कि जैसे संयोग होता है कि हमने उस पर उसका कटाक्ष करके, उसको थोड़ा सटायर करके, जो उसका मसलन, जैसे कोई एक मैसेज है, नेताजी बैठे हुए, तो नेताजी ने बैठ करके एक बात कह दी अपनी। अब नेताजी को हम बहुत ज्यादा हैवी होने दें या नेताजी का पैराडाइज कर दें, उसको हल्का कर दें, उसको थोड़ा सा एक कंकड़ी मार के उनके अभिमान को थोड़ा तोड़ दें,
ये करना चाहिए, तो ये बनने लगा, सटार बनने लगा हमसे। तो हम ज्यादातर ऐसे कटाक्ष कमेंट करके वक्रोक्त के ढंग से कहीं एक एक शब्द उसने बोला तो सिर्फ वो शब्द लिख दिया, बाकी को छोड़ दिया, फिर उस शब्द पर हमने कमेंट किया। ऐसे करके एक मेथड सा बनता गया जो कि आलोचना से भिन्न था लेकिन नजरिया साहित्यिक था। हम सोचते थे ये साहित्य दे रहा है, फिर हमने सोचना किया, सोचना शुरू किया ये इसका साहित्य है, हम साहित्यिक नजरिए से इसे नहीं देख सकते, ये इसका अपना मेटीरियल है, ये इसका अपना वो है। फिर हमने काफी और किताबें पढ़ी, संयोगवश इंग्लैंड में एक बहुत बड़े पुराने कॉलमिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने एक किताब में उनका नाम दिया है, मैं छटपटाता रहता था कि मुझे जरा जो आलोचना के टूर है और अच्छे हो जाए। इसके लिए जैसे मैं बीबीसी या ब्रिटिश लाइब्रेरी चला गया एक बार, तो वहां एक ऑथर मिले जिन्होंने 3 वॉल्यूम में किताबें लिखी हुई थी, जो वहां के शायद टाइम मैगजीन में या जो वहां का जो भी बड़ा अखबार है, मुझे याद नहीं पड़ रहा इस वक्त, मैंने टीवी टाइम्स नाम से जो किताब लिखी है उसमें उसका जिक्र किया। तो मैंने उनको पढ़ा, तो वो क्या लेखक था कि 1000 शब्द लिखा है उसने, और मैं तो लंदन में हूं नहीं, मैं तो वहां का टीवी देखता नहीं, मतलब चैनल 4 नहीं देख रहा, चैनल 9 नहीं देखता, नहीं बीबीसी देखता हूं, और वो एक कटाक्ष से पूरे प्रोग्राम को आपकी तरफ पहुंचा देगा, हल्का सा कटाक्ष करेगा और आपको वो प्रोग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा, चाहिए कहा है, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, उसको एक हल्के से कंकड़ी मारेगा और वो प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी जो अपने को बहुत बड़ा ताकतवर कह रहे हैं वो मजाक का विषय बन जाएंगे। तो ये शैली उनकी नजर आई, मैं भी इसी शैली पे चला गया था, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ा आश्वस्त मैं महसूस करने लगा कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तो पढ़ते पढ़ते एक चीज सामने आई कि देखिए हम जो साहित्य पढ़ते हैं, धर्मयुग एक बड़ी बड़ी मैगजीन थी, 90s में बंद हो गई, साप्ताहिक हिंदुस्तान बड़ा पत्र था बंद हो गया, सारिका एक बहुत बड़ी मैगजीन थी बंद हो गई, ज्ञानोदय था बंद हो गया, और डेली पेपर्स में जो एक्स्ट्रा पेजेस थे वो आने लगे, जिसमें फिल्मों की चीजें आने लगी, अब कहानी नहीं आ रही है, अब आलोचना नहीं आ रही, ये 90s की बात है। तब तक प्राइवेटाइजेशन हो गया टेलीविजन का और बहुत से चैनल आ गए, तो हम लगा ये शैली में हम लिख रहे थे, कटाक्ष कमेंट वाली शैली में लिखते थे। तो अब जैसे पत्र का कार्यक्रम होता था, एक मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, तो वहां एक बहुत बड़े कस्टम ऑफिसर थे, अब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, माफ कीजिएगा, बेचारे गुजर गए, स्वर्गीय हैं, वो त्रिपाठी जी थे, इतना ही बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो अखबार में हमने खबर छपी कि उनकी 7 किताबें नामवर जी ने और केदार जी ने और गंगा प्रसाद विमल जी ने लोकार्पित की, 7 बुक्स, और बताया कि वह कमाल की राय बैठा, कमाल के कवि हैं, कमाल के उपन्यास का। फिर उनका पत्रिका नाम से जो जो कॉलम इनका फीचर आता था दूरदर्शन का, हर वेडनेसडे को आता था, उसमें उनसे बातचीत थी जो गंगा प्रसाद विमल जी कर रहे थे, और बातचीत वही थी क्योंकि वो ऑफिसर है, बहुत बड़ा कस्टम का ऑफिसर है, इन सबको पीने का बहुत शौक है, और वो फ्री के क्रेडिट इनके घर भेज देता है, मेरा तो शौक है नहीं, अच्छा मैं कहीं जाता भी नहीं, मैं नॉर्मली किसी के प्रोग्राम में वो दिखा रहा है आप आ जाइए, पीआर कराना चाहता है आ जाइए, मैं जनसत्ता में सिर्फ मैंने रिव्यू किया, रिपोर्टर कभी नहीं बना, मैंने कह देता था प्रभाजी से आप अपना रिपोर्टर भेज दीजिए, वो ले आएगा वहां से पिक्चर वगैरह, वो उसकी तारीफ भी कर देगा, मेरे से ना होगी, अगर 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 है किसी लायक तो फिर मैं खूब तारीफ करूंगा, क्योंकि जवाबदेही मेरी है, लेकिन अगर मान लो जरा सा भी निर्बल है, क्योंकि लिटरेचर का जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारा है उससे हम जज करते थे कि एंटरटेनमेंट के लेवल क्या होते हैं, कवि सम्मेलनों की कविताएं, हास्य कविताएं, फिल्में, ये बट ये उल्टी सीधी चीजें देखने की मेरी बहुत आदत थी। तो मैंने लिखा आदि कवि ककादि, उसका टाइटल दिया मैंने उस कॉलम का आदि कवि ककादि, कमला कांत त्रिपाठी ये उनका नाम था, और
कवि ऐसे बढ़ाए जा रहे थे जैसे कि पहला कवि हुआ है, तो आदि कवि का कार्य। फिर मैंने जो गंगा प्रसाद विमल जी की डेथ हो गई, हमारे दोस्तों में से थे, मेरे संग पढ़ाते थे, मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में उनकी डेथ हो गई पिछले दिनों एक्सीडेंट में, तो उनके लिए मैंने लिखा। उन दिनों एडवर्टीजमेंट आता था विमल फैब्रिक्स का, ओनली विमल, तो वहां डाला मैंने ओनली विमल, लोगों ने सूचना से ही पहचान किया और वो लोगों को तुरंत समझ में आया कि अच्छा ये है। तो ऐसे करके अभ्यास करके लिख करके थोड़ा अलर्टनेस और थोड़ा एक बेधड़क बन, मतलब कि यार ये खुदा नहीं है, और अगर खुदा भी है तो दो हाथ उसको भी लगा दो, ये एक भाव लिखने में। जब तक आपको ये न लगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तब तक आपका मन पूरा खुलता नहीं है लिखने में, आप समझ रहे ना। और संपादक हमारा इतना अच्छा था प्रभात जोशी, और जो पेज देखते थे वो मंगलेश डबराल थे, मैगजीन का पेज सत्ता का जो चार पेज देखते थे मंगलेश डबराल था। मंगलेश डबराल से हमारी बहुत पुरानी मित्रता थी, जब वो यहाँ बिल्कुल शुरुआत में 68 में जब वो यहाँ पर अप्रेंटिस बन, जब यहाँ पर वो स्टिंगर बन के आए, पेट्रेट में काम करना शुरू किया, हिंदी पेट्रेट निकलता था, तब से हमारी दोस्ती थी। तो वो ट्यूनिंग थी हमारी, आप समझ रहे, बड़े फर्क पड़ता है, टीम वर्क है, नहीं तो फिर अगर वो नहीं। तो वो ये जानते हैं कि मैं पचौरी हूँ और मैं किसी की चाय पीने भी नहीं जाता, जो फिल्म बनाने वाला है, जो टेलीविजन बनाने वाला है, वो बुलाता रहेगा, मैं जाता नहीं। और इसलिए जो मैं लिखूंगा निष्ठा से लिखूंगा, और जो नहीं देखा, जैसे मान लो प्रोग्राम चला गया, मैं कहीं गया हुआ हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं देखा, तो मैं कह देता था कि भाई ये देखा नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। सो जो देखा उस पर कमेंट, तो मैं नोट्स भी लेता जाता था। तो धीरे धीरे ये हुआ, तो उसके बाद जो हमको लगा वो ये लगा कि जो लिटरेचर आता है ये थ्रू मीडिया आता है, साहित्य का एक मीडियम है, सीधा साहित्य नहीं आ जाता हमारे पास, चाहे वो कोई कविता पढ़ रहा हो तो पढ़ना मीडियम हुआ, छप गया है तो छपना मीडियम हुआ, संपादन हुआ उसका, तो ये मीडिएट होके आता है, जो होता है वो बदल के आता है, उसकी सज्जा होती है, फिक्स किया जाता है कि यहाँ पे छपेगा या नहीं छपेगा, ऐसे छापेंगे ऐसे नहीं छापेंगे, अंडरलाइन करेंगे हाईलाइट करेंगे ये कर। सो इट इज अ क्रिएशन, एक तो क्रिएशन रचनाकार ने किया, एक क्रिएशन एडिटर ने किया, मीडियम ने किया। जैसे कोई न्यूज आ रही हो, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया, तो क्रिएशन हो रहा है ना ये। तो इससे हमें लगा कि जो लिटरेचर है वो सिंपल लिटरेचर नहीं है, वो सिंपल साहित्य नहीं है, कम्युनिकेटेड लिटरेचर है वो, जो भी लिटरेचर है वो कम्युनिकेटेड है, बिना उसके उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो कम्युनिकेशन में है वो। तो कई बार यथार्थ को भी छुपाया जाता है, इतना दिखाया जाता है उससे ज्यादा छुपाया जाता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं चूंकि कम्युनिकेटेड है इसे इस तरह से कहें, तो उसमें बहुत सी और बातें आ रही हैं, वो बातें क्या है, तो उसके इकोनॉमिक्स क्या है, किसी ना किसी ने कहानी लिखी उस पर नाटक बना तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, वो इकोनॉमिक्स प्रभावित कर रही है उसकी समूची कहानी को, इससे पहले किताब में कहानी थी तो इकोनॉमिक्स थोड़ी थी, तो जैसी कहानी वैसी आ गई, वहां आकर के कुछ और बन गई, कुछ और बन करके कुछ और हो गई। तो हमें ये लगने लगा कि जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं भाई, उसमें कुछ तो हमारे शास्त्र हैं पुराने, संस्कृत के काव्य शास्त्र के, रसचंद अलंकार वाले, वो हमें उनके फॉर्म के बारे में बताते हैं, बड़ा फॉर्मलिज्म है हमारे, हमारे बहुत थ्योरी, हाई थ्योरी है। जितने भी 6 संप्रदाय हैं हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के, वो दुनिया की बहुत बड़ी थ्योरीज हैं लिटरेचर की, जिसमें मैं अब काम कर रहा हूँ, इन दिनों काम कर रहा हूँ मैं उन पर, कि कैसे वो एक बहुत हाई लेवल कम्युनिकेशन थ्योरीज है जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो उसके बाद में ये लगा कि यार लिटरेचर में भी कुछ गड़बड़ है, जो हम पढ़ते हैं जो हम बोलते हैं उसमें कुछ घपला है। कैसे, रामविलास शर्मा जी ने मुक्तिबोध को, ये मैं उत्तराधुनिकता में क्यों आया मैं उसकी कह रहा हूं, तो कुछ तो मीडियम जो टेलीविजन की स्टडीज करते करते उसमें बहुत सी चीजें कि भाई एक अलग ही चीज है, ये मीडियम एक अलग चीज है, मीडियम इज मैसेज।
ये जो मैकलुहान की थियरी है, मीडियम इस मैसेज, मीडियम ही मैसेज हो गया तो हम साहित्य की बात क्या कर रहे हैं, हम कविताई मैसेज है ना, मीडियम इस मैसेज। तो हम करते करते ये हुआ कि अचानक अटके इस बात पे कि रामलीला शर्मा जी मुक्त बोध के साथ के व्यक्ति, तार सप्तक में दोनों छपे, दोनों की कविताएं, लेकिन मुक्त बोध जो है रामलीला जी के लिए एक पागल कवि है, विक्षिप्त कवि है, और नामवर सिंह के लिए वो अस्मिता की खोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दो बड़े आलोचक जो मार्क्सवादी है, दोनों दोनों ही एक कविता पर दो राय रख रहे हैं, और हम मुक्तबोध को पढ़ रहे हैं एक मार्क्सवादी के तौर पे, एक मार्क्सवादी रचनाकार है जिसने कुछ नए ढंग से आलोचना की है, नए ढंग से कविताएं लिखी है। छात्र आंदोलन में हम थे, हमारे जो अपना सीपीएम का जो मूवमेंट का जो अनुभव था वो हमको बहुत शिक्षित करता था। तो हमने तय किया कि भाई अल्टीमेटली जो हमारी हिंदी आलोचना है वो आपके मूड पे और आपकी मित्रता पे और आपकी रुचि पे और आपके नेटवर्क पे और आपके फायदे और नुकसान से तय हो रही है। तभी तो सर जब आलोचक लेखक और पाठक के बीच एक्चुअली मध्यस्थ सेतु बनना होता है। लेकिन अगर कोई लेखक कहता है कि मुझे आलोचकों पर संदेह है तो ये वास्तविकता है, आलोचक बिका हुआ है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं रचनाकार को बिका हुआ बोलूंगा। अच्छा वो देवता नहीं है उसमें, देखिए जो अच्छी मसलन के मैं वही हूं जो दूसरे हैं, मेरे अंदर कोई वो नहीं है अलग से अकल, कोई दूसरा कहे कि मैं महान हूं तो मुझे उसमें डाउट होता है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन दिनों में जहां से मसलन जहां से मेरा लुढ़कना शुरू हुआ मार्क्सवाद की कट्टरता छोड़ के, मेरे जो पुराने आर्टिकल्स हैं उसमें मैं बिल्कुल तलवार चलाता हूं और मुझे लगता था कि मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे लग रहा था यार ये ऐसे नहीं हो सकता। तुलसी ने एक छंद लिखा और उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, मुझे मालूम है, और मैं तुलसी को कह रहा हूं कि वो द फ्यूडल पोइट है, कबीर को मैं कह रहा हूं बड़ा क्रांतिकारी है। अरे भाई जरा अंदर तो खुश, तो जब मैं मीनिंग निकालता हूं तो मालूम पड़ा कि भाई कबीर में भी कुछ प्रॉब्लम है और तुलसी में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हर में मुझे एक प्रॉब्लम नजर आने लगी और मार्क्सवाद में प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्क्सवादी लोग जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं रामलीला शर्मा नामवर सिंह। तो देखिए होता क्या है, संयोग की बात होती है। उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे श्यामलाल जी, अच्छे विद्वान, बिल्कुल माने हुए, अंग्रेजी का, फिलोसफी का, इकोनॉमिक्स का, लिटरेचर का, लैंग्वेज का, सोशियोलॉजी का, एक से एक नए थियोरिटिशियन को वो पढ़ते थे और एडिटोरियल आर्टिकल उनके हर सैटरडे किसी दिन छपते थे। तो मैं उनकी शैली का मुरीद था, मैं उसको पढ़ता था। तो उसमें उन्होंने एक जगह पोस्ट मॉडर्न लिखा, ऐसे बहुत से नए टर्म्स वो देते थे, तो मैं चकित होता था कि यार ये कहा है? हम सारा माफ कीजिएगा कुछ साला मुझसे निकल गया, हम मॉडर्निज्म में फंसे हुए, ये कहा निकल गया, क्या बात है भाई, कुछ है ना। तो मैंने खोज शुरू की किताबों की, तो लेतार की किताब मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, दुनिया भर को छोटी छोटी चीजें मिल गई, उससे मेरा ओरिएंटेशन बदलने लगा। जैसे कि लेतार का पहला थीसिस है कि कोई भी मेटा नैरेटिव अब कारगर नहीं है, एंड ऑफ मेटा नैरेटिव, कोई मुक्ति का वृत्तांत नहीं है, और ये 79 की बात है उनकी किताब की जो अंग्रेजी में मिली हमें, तब तक तो सोवियत यूनियन गिरा नहीं था, 90 में गिरा है, कि ये एग्जॉस्ट हो गया है। मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट था कि हम सबको न्याय देंगे, सबको शिक्षित कर देंगे, सबको बराबरी में ले आएंगे और एक सुखी समाज, समृद्ध समाज बना देंगे दुनिया भर का, एटलीस्ट वो समाज जो समाज अपने को अग्रगामी कहता है, जो थर्ड वर्ल्ड है हमारी, तो अपने ही बना ले, वो नहीं बना। दो युद्ध हुए, सेकंड युद्ध में स्टालिन एक तरफ डिक्टेटर है तो हमारी डेमोक्रेसी डिक्टेटर पैदा कर रही है, डेमोक्रेसी नहीं दे रही है, तो जब डिक्टेटर पैदा कर रही है तो डेमोक्रेसी में कोई खोट है। वो जो एनलाइटमेंट मूवमेंट था यूरोप का, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं,
इमैनुअल कांट, आई थिंक आई एम इमैनुअल कांट, फ्रांसिस बेकन, ये जो बड़े माइंड थे उस जमाने के, उन्होंने जो सोचा नक्शा और जिसको फिर मार्क्स ने अंतिम फिनिश दी, समाजवाद है, हम ऐसे समाज में जाएंगे जहां कोई भेद नहीं होगा, जहां हिंसा नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं, वो सब तो नहीं हो रहा। तो श्यामलाल जी ठीक कह रहे हैं, ठीक है, उनकी बात दम है उनकी बात। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बताऊं, अब जाहिर है कि जब मैं सीपीएम में जब तक मैं था पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, तब तक तो मेरा ये था कि अपनी पार्टी के लिए कहीं स्टडी सर्कल में जाना है, कहीं मार्क्सवाद पर बोलने जाना है, कहीं दो लोगों को मेंबर बनाना है, कहीं उनको पर्चा बांटना है, कहीं और जितने फ्रंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, स्टूडेंट्स का, टीचर का, कर्मचारियों का, होटल वालों की, उनका, यूनियन का, अयोध्या टेक्सटाइल मिल वालों का, DCM का, बिरला मिल का, हम होल टाइमर की तरह से दौड़ते रहते थे ये 20 साल के करीब, तकरीबन 20 साल, वो भी अच्छा था। उससे हमें जैसे ना एक तो बात बात करने का ढंग आ गया कि हम अपनी बात कैसे कहें, किससे कहें। लेकिन जब ये नई बातें आने लगी तो हमने पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बताऊं कि भाई अब ऐसा है जिनको क्रांति करनी है कर लें। अच्छा, मेरे दो मैंने शादी किया 77 में, उसके बाद दो छोटे बच्चे, एक छोटे बच्चा हुआ, फिर बच्चे हुई, तो उनको रखने वाला कोई नहीं। मैं अपने घर से एक, हमने जब शादी की तो सिर्फ 100 रुपये में की, सिविल मैरिज किया, दावत मैंने किसी को दी नहीं, मेरे मैं किसी को देता नहीं और किसी की दावत लेता भी नहीं, ये मेरा अपना है। छोटा परिवार, पिता माता से हमारा कोई था नहीं, मेरे पिताजी से मेरा कोई बहुत सीधा संबंध नहीं था, मेरी माता की मृत्यु जब मैं 2 साल का था, 3 साल का था तब हो गई थी, और उससे छोटा भाई, उसकी तो अब डेथ हो चुकी है, वो 1 साल का था, बुआओं ने पाला हमको, आंटीज ने, हमारे पिता की बहन थी, विधवा थी, गरीब थी, वो पालती रही हमको। तो हमारी जो जिंदगी के अनुभव थे वो हमें मार्क्सवाद की ओर ले गए, गरीब है तो मार्क्सवाद हमें बहुत अच्छा लगता, और वही अनुभव हमको कह रहे थे कि भाई मार्क्सवाद में भी ये लोग हैं ना, इनके अलावा भी कुछ दुनिया है, पढ़ो जा देखो। तो ये हमको अच्छा लगने लगा, पढ़ते पढ़ते हमको लगा कि यार ये जो नई थ्योरीज आ रही हैं इनमें कुछ दम है। अब 90 में जब आए तो सोवियत यूनियन गिर गया, सामने गिरा। आज तक किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने, दुनिया की किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सोवियत यूनियन का खाना पीना खाती पीती रही, आज तक ये एनालाइज नहीं किया है कि वो क्यों गिरा, क्या बात हो गई। इतना बड़ा सिस्टम 70 साल तक जिसने अमेरिका को हिला के रखा, जिसने जो दुनिया की आशा था, जो दुनिया की उम्मीद था, सच्ची में अमेरिका के साथ टकराने के लिए उस समय USSR ही था, उम्मीद था वो हमारी, हम सबकी उम्मीद था, वो गिर के हो गया। तो उससे ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया तो उससे हमारी समझ में आया क्यों गिरा, क्योंकि कैपिटल कि अपनी ताकत होती है। और ये मार्क्स ही कहता था कि जो मेटीरियल कंडीशंस है वो आपकी चेतना को तय करते हैं। तो जब पैसा बन रहा है तो दिमाग पैसे वाला हो जाएगा ना। तो वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो सोवियत यूनियन में थे, महान, कोई पोलिट ब्यूरो में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, वही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए उसके गिरते हुए, गिरने के बाद। तो हमारी तब मैं समझ पाया कि जो ये जो नए, चाहे वो वाल्टर बेंजामिन हो, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कला का जो है उसको कैसे वो उसको बेकार करता है, उसकी ऑरा को, कला की चमक को खत्म कर देता है कॉपी बना बना के, चाहे एडोर्नो हॉर्कहाइमर हो, फ्रैंकफर्ट स्कूल के, मैं घुसता चला गया इनमें। और एक किताब है, उसने कहा भाई फ्रैंकफर्ट स्कूल देखो, क्रिटिकल थियोरी देखो, तो मैं घुसता चला गया उसमें। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी, जैसे संस्कृत के जो काव्य पोइटिक्स है वो मुझे ठीक ठीक आती है, ठीक, मैं बहुत पंडित नहीं हूं, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम अभिव्यंजना की व्याख्या करो तो मैं उदाहरण सहित व्याख्या करूंगा, कोई कहे ध्वनि की व्याख्या करो तो मैं कर दूंगा, कोई लक्षणा की व्याख्या कहे तो मैं कर दूंगा, माने वो, या कुछ अलंकार हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनकी अच्छी व्याख्या कोई कहना चाहे तो मैं कर दूंगा,
मैं ठीक ठीक मेरी उसमें गति है। मेरे गुरु थे खेमका जी, जिन्होंने कभी पीएचडी नहीं की, मैंने कर डाली। वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, तो वो एक एबीसीडी समझाते थे। और उन दिनों में जो ओरिजिनल किताबें थी संस्कृत की, जो हिंदी अनुवाद होकर आ रही थी, नगेंद्र जी उसके संपादक होकर, तो हमने खुद पढ़ी थी एमएमए पॉलिटिक्स की, अभिनव गुप्त की मूल किताब, आनंद वर्धन की मूल किताब, काव्य मीमांसा मूल किताब, मम्मट मूल हिंदी अनुवाद। तो वो अब एक एक वो थी, एक चिमटी बन गई हमको, हम पकड़ सकते थे। तो जब ये सारी नई थ्योरी भी हम पढ़ने लगे, तो हमारी समझ में एक बात आई कि यार बहुत कुछ तो हिंदी में भी यही हो रहा है। आखिर जो क्रेट दे सकता है वो कभी बन सकता है, जो शाम को शराब पिला सकता है वो बहुत बड़ा कवि बन सकता है, जो पैसा खर्च कर सकता है वो अपनी न्यूज भी छपा सकता है और बहुत बड़ा पोइट है, और वही इनाम भी मैनेज कर सकता है, वो भी अकादमी भी मैनेज कर सकता है। ये हो क्या रहा है? उससे पहले हमारी मूर्खता ये थी कि मैं ये मानता था कि देयर इज सम नेचुरल जस्टिस, एक नेचुरल जस्टिस है कि आपने कुछ लिखा तो देर सवेर कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा होगा जो कहेगा कि सोफिया जी ने बहुत अच्छा लिखा है, न सही सब कहें कभी कहेगा। ये जो भावभूति है उसका कहना है ना, और भारतीय भावभूति का कहना है कि इस दुनिया में अनंत काल है और पृथ्वी बहुत बड़ी है, और एक दिन कोई आएगा जो मुझे भी पढ़ेगा। यानी उस वक्त उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो भरोसा कर रहा है इसलिए लिखे जा रहा है। तो हमको ये लगा कि यार छोड़ इन चीजों को, तू थियरी को हिंदी में ला। तो पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर हमने पढ़ा पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म। अच्छा, हमारे एक आप कह लीजिए, मेरी एक गंदी आदत यह है कि अगर कोई मुझे नई चीज नजर आ जाती है और यहां नहीं रिसीव नहीं कर पा रहा, मैं उसे समझ नहीं पा रहा, तो मैं 10 लोगों से जाके पूछूंगा। तो वैसे ही संरचनावाद, मैं पूछूंगा जाके। ऐसे क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट थे जो ओशो के रजनीश के भक्त हो गए, मेरे के स्टूडेंट, वो 5 किताब लाके मुझे दे गया और मुझे चुनौती दी कि इसकी समीक्षा करो। तो समाजवाद से सावधान एक किताब थी, मैं मार्क्सवादी था, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में, तो मैंने करते हैं, तो मैंने पढ़ा, तो उसमें उसने एक छोटा सा तत्व दिया गोशो ने, क्वांटम मैकेनिक्स, ये फिजिक्स का सिद्धांत है। अब मैं फिजिक्स आज तक नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा मैं। अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कि यार ये कह रहा है कि कोई भी चीज निश्चित नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रहा है कोई भी चीज निश्चित नहीं है, इसलिए मार्क्सवाद जो ये निश्चित करने की बात कहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं है, ये झूठ है। दैट वाज हिज थीसिस ओशो की। मैं अटक गया, तो मैं 2-3 फिजिक्स के टीचर से मिला दलील और शिव, नहीं बता पाए, वो फिजिक्स की बातें करने लगते थे। मैंने भाई मैं हिंदी बात रहा हूं, मुझे तुम एक उदाहरण से समझा दो, इतना ही चाहिए मुझे। एक रशियन किताब मिली मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें थोड़ा था। फिर मैं एक टीचर से मिला था, उसने बड़े बड़े प्यार से समझाया, वो देख ऐसा है, दूरबीन है, दूरबीन में हम देखते हैं, तो दूरबीन में जो हम देखते हैं और जो एक क्षण अभी देखा हमने और फिर अगले क्षण देखा, तो जो हम देख रहे हैं, जो हमारी नजर है और जो दूरबीन है और जो सामने रखा हुआ पदार्थ है, ये तीनों बदल रहे हैं, स्थिर नहीं है, इसलिए अनप्रडिक्टेबल। सिंपल सा सिद्धांत समझा दिया, क्वांटम का मतलब अनप्रडिक्टेबिलिटी। तो खैर मैंने उसकी समीक्षा की, तो उसमें मार्क्सवाद के झंडे गाड़े कि मार्क्सवाद सही है, ये गलत बोल रहा है, लेकिन बाद में बराबर दिमाग में रहा गया, ये बात तो सही थी। तो मैंने दूसरा आर्टिकल लिखा अपने ही खिलाफ, अपने ही आर्टिकल को काटते हुए दूसरा लिखा कि नहीं वो गलत था। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, जैसे मैं गया, मैं देरदा पे गया, बहुत देरदा का नाम लेते थे ये श्यामलाल जी, तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो एक किताब है उनकी, मैं लाया उसे, हाँ इस पर, लेकिन वो निकल गई, मैं पढ़ा पूरा और यहां से यूं निकल गई, बड़ा हैरत हुआ कि भाई ये समझ में नहीं आ रही है बात। तो मैंने पहले देरदा पर 1-2 कमेंट्रीज पढ़ी,
और उसके बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा कि वो बात क्या कह रहा है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि हर चीज एक स्ट्रक्चर है, एक टेक्स्ट है। अगर मैं हाथ को यूं भी करता हूं तो ये भी एक टेक्स्ट है। अनुवाद भी ओरिजिनल है, उसके थीसिस ये है, ये कोई नई रचना है। फिर जब दिल्ली आए देवीदा तो तीन जगह उन्होंने भाषण दिए दिल्ली में। जेएनयू में दिया एक भाषण जो मैंने अटेंड किया और नोट्स लेता गया मैं। और मैं मेरा ये एक अच्छी बुरी बात यह है कि मैं अभी भी जिस स्पीड से कोई बोल रहा है उस स्पीड से नोट्स लिख सकता हूं ऑलमोस्ट। तो मैं नोट्स लेता गया, जेएनयू में गए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, तीनों जगह मैंने उनको सुना और नोट्स लिए। और उनकी थ्योरी की एक किताब पूरी बनाई देरीदार और उनका विखंडन, फिर कामायनी को लेकर के मैंने थोड़ा सा बनाया। तो मुझे मुझे वो अच्छा लगा। फिर फू को देखा, वो मुझे बड़ा ताकतवर लगा। उसने तो हिस्ट्री से लेकर के सोशियोलॉजी से लेकर के लिटरेचर से लेकर के हर चीज में, और पहली बार समझ में आया कि पावर क्या है, डिस्कोर्स क्या है, नॉलेज क्या है, नेटवर्क क्या है, कैसे शासन चलता है, कैसे कानून बनता है। बड़ा उद्भट विद्वान है, मर गया बेचारा। तो ये उद्भट विद्वान जो थे अंग्रेजी में अवेलेबल थे, कोई चाहता तो हिंदी में मिला ही सकता था। मुझे लगा कि यार ये ले आओ, ले आ भाई, कोई बुरा कहे तो, कोई भला कहे तो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई अब मार्क्सवादी के पास में बचाने तो खोने को तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तो खो चुका, अब जो मिल जाएगा वही तुम्हारा है। कहता है ना मार्क्सवाद, मार्क्स कहता है ना कि दुनिया के मजदूर एक हो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय जंजीरों के। तो आज मैं कहता हूं मार्क्सवादी हो नया पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, जो था वो खो चुका है, ऊर्जा चली गई है उसमें, चला रहे हो ठीक है, चलता रहेगा। इस सबसे मैं उधर आया, तो मीडिया स्टडीज ने मेरी मदद की और मैं इधर आया। और उसका कारण क्या था कि एक ही चीज थी कि यार अयम निजो परोवेति, गणना लघु चेतसाम, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो मेरा तेरा करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वो कहेंगे ये कविता अच्छी है, ये कहानी अच्छी है, जो मेरा दोस्त है। आज हम वही देख रहे हैं, आज हम वो एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। मेरी इससे बड़ी बदतरश्मा थी, तो मैंने उस रास्ते में गया नहीं, मैं कठोर रास्ते गया। मैंने बहुत से रिव्यू लिखे, तो मेरा संपादक कहता था मंगलेश डबराल पचौरी जरा ध्यान रखना, तो मैं ध्यान रखता था, बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करता था, थोड़ा हटकर। एक रिव्यू, एक ये जो एक लेखिका है हिंदी की, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट लेखिका है, वो पीछे पड़ी हुई थी कि मेरी किताब का रिव्यू, और हंस में करीब 10 रिव्यू हो चुके थे उनके उपन्यास के। मैंने उनसे कहा, मैंने मैडम इतने रिव्यू हो गए, ये तो सौभाग्य की बात है। अच्छा राजेंद्र यादव जी रिव्यू कैसे छापते थे हमें मालूम था। तो मैं घर आई, जब वो गई तो एक मिठाई का डिब्बा, बाहर निकलते हैं तो हमारे घर में छोटा सा घर है, घर में निकलते हैं बाहर तो मिठाई का डिब्बा मेज पर छोड़ गई और चली गई। अच्छा हमें ख्याल भी नहीं, वो किताब दे गई, हमने गुड़ी गुड़ी बातें की। जब वो छोड़ गई मिठाई का डिब्बा, और एक और बड़े इंटेलेक्चुअल के यहाँ गई हमारे मोहल्ले में, मयूर विहार फेज वन में काफी अड्डा है वो इंटेलेक्चुअल्स का, तो वहां उन्होंने शॉल दी। तो उन्होंने मुझसे कहा जब मैं गया उनके पास, दुबे जी के पास, श्यामाचरण दुबे जी के पास, कि पचौरी जी आपको क्या मिला। तो मुझे ख्याल आया कि मिठाई का डिब्बा, तो मैंने किताब का रिव्यू मैंने पढ़ी, मैंने पढ़ ली, मैंने छोड़ दी। मंगलेश मुझसे अक्सर कहें कि सुधीशी जरा कर दीजिए, पीछे पड़ी हुई है, बार बार। अच्छा मंगलेश हमारे दोस्त, ऐसे दोस्तों में से जिनकी मैं टाल नहीं सकता वाली बात, मैं उनकी बात गलत बात नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी एक वो रहती है ना, एक रिव्यू करना यार कर खत्म करका है, भाव ले रहा है। मैंने रिव्यू कर दिया, रिव्यू जनसत्ता में छप गया। और लेखक का सुबह सुबह फोन आया कि सुधीश
तुमने मेरा उड़ता हुआ हवाई जहाज नीचे गिरा दिया। अच्छा मुझे ख्याल भी नहीं, मैं अपने छपे हुए को पढ़ता नहीं हूँ, वो छप जाता है मैं उसे पढ़ता नहीं हूँ, दोबारा नहीं पढ़ता हूँ उसे, मुझे डर लगता है उससे, अपनी हुई चीज से, तो मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ, मैं अच्छा कर सकता था ये खराब हो गया, वो खराब लगता है मुझे, जो जो छप जाता है खराब लगता है। तो मैं क्या हुआ? अरे तुमने तो बिल्कुल मेरी निंदा कर दी, मेरा जहाज उड़ा जा रहा था, मैंने सिर्फ उसमें लिखा था ये बुद्ध दुर्बल लेखक, इंटेलेक्चुअली टफनेस चाहिए। अगर आपको दुनिया में एक शब्द भी लिखना है तो जो भी आपकी शक्ति है ना उसके पीछे लग जाती है, जो भी मीनिंग आप समझते हो अपना, और आपका पूरा अध्ययन, आपकी पूरी मेधा उसमें लग जाती है, तब आके एक वाक्य बनता है, और उस पर फिर आप उसको उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार होते हो, यस आई कैन डिफेंड इट, ये मैंने लिखा है सही लिखा है, जो मेरे तर्क है उसके हिसाब से मैं सिद्ध कर सकता हूं सही, आप भाग नहीं सकते। तो उसमें मेरा एक सिद्धांत रहा है कि यार हिंदी इतनी दरिद्र क्यों हो कि जो कुछ मन में आवे लिख रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे, हिंदी वाले लेखक लिखे और पढ़े नहीं, इसमें मुझे सख्त एतराज है। आप बहुत बड़े रचनाकार, आप बड़ी अच्छी कहानियां लिखते हैं, आप बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं साहब, लेकिन पढ़ नहीं रहे आप, जो ज्ञान अब तक बना है उस ज्ञान का कुछ हिस्सा तो तुम ले लो ना, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, फिर तुम सही जगह लिखोगे, दम नहीं आ जाएगा तुम्हें, औकात आ जाएगी ना, तुमको मालूम पड़ जाएगा तुम कुछ नहीं हो, इतने बड़े बड़े हो गए तो तुम ऐठे ऐठे मत फिरो, बेकार हो तुम, इसलिए विनम्रता से लिखो जो लिखना। तो इसलिए मैंने कहा बुद्ध दुर्बल, बहुत बड़ा माना, लेकिन ये इसलिए कि मुझे जो मन में आया मैंने लिख डाला, ये परवाह नहीं की कि कौन खुश होगा। ऐसे बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैं खुश करने लगूं तो मैं सिवाय एक किसी बहुत घटिया मनुष्य के और कुछ हो नहीं सकता। अरे कौन खुश होता है भाई? वो तभी तक खुश है जब तक उसका काम अटका हुआ है, काम अटका तुमको लात मारी, ये दुनिया है तो तुम काहे लिए परेशान हो, तुमको और तुमको कोई दे देगा तो मत मत दे भैया। एक चीज और चीज, ये जो लेक्चरशिप होती है टीचर की, ये जो खुदा बना देते हैं, टीचर अपने मन का राजा होता है। अगर मेरी ये नौकरी पत्रकार की होती तो मैं ये नहीं कर पाता, कोई ना कोई मार देता मुझे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी, टीचर की नौकरी एक ऐसी आजाद नौकरी है, क्लास पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई है, क्लास बच्चा आपको जो आपका बच्चा है वो खूब अच्छा ज्ञानी मजा आया उसे, हिंदी को पढ़ता कौन है तो, और हिंदी पढ़ने में भी आनंद ना आया और एनर्जी नहीं बनी तो हिंदी कोई नहीं पढ़ेगा। तो पढ़ाते वक्त आनंद लो और लिखते वक्त भी आनंद लो, तुम्हारी दुनिया की कोई ताकत, अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं है कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है तुमको रोक दे। तो वो भी अपने मन के अपनी उड़ान में मैं चलता था, अभी भी मैंने बहुत से मेरे दोस्त कम है दुश्मन ज्यादा है, मैंने जिन लोगों का उपकार किया वो मुझे हेलो नहीं करते, लेकिन मुझे कोई रंज नहीं है, मैंने उपकार क्या किया, कोई आया मेरे इलाके से मैंने उसको कहीं लगवा दिया लेक्चरशिप, कोई जब मैं प्रोफेसर बन गया, जब मैं हेड बन गया, जब मैं डीन बन गया तो मैंने काफी लोगों को मदद की, वो सारे पुराने कामरेड थे, वो मुझे थूकते भी नहीं मेरी तरफ देख के, मुझे कोई रंज नहीं होता, ये उनका काम है, वो थैंकलेस हैं, उनके बच्चे उसको थैंकलेस बोलेंगे, संस्कार की बात है, मुझे तो करना था मैंने किया। तो मेरा कहना ये है अहेतुक ही काम करो, कुछ काम ऐसे होते हैं सुफिया जी जो बेमतलब होते हैं, जिनमें कोई पेमेंट नहीं आता, आप समझ रहे ना, हर चीज का देन लेन नहीं है, हर चीज का एक्सचेंज नहीं है, कुछ कुछ आप अपने सुख के लिए करते हैं। तो लिखने का काम मैंने अपने सुख के लिए सोचा, और आज भी जैसे मैं डेली जो मेरे तीन कॉलम है, चौथा कॉलम अमर उजाला में शुरू होना चाहता है, एक बीबीसी वालों ने भी कहा हुआ है कि आप लिखते रहिए हमारे लिए, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि इन दिनों का जो सिस्टम है हमारा, जो पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो बदला लेता है, आपने कुछ लिख दिया
जान का खतरा भी रहता है। वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कोई वीर बहादुर बन करके नहीं हूँ, मसलन के मैं झंडा उठा करके चल रहा हूँ साहब, मैं कमाल का आदमी हूँ, वो मेरा नहीं है। तुम 10 साल तक लिखो, लेकिन लिखते रहना। तुम एक दिन में माचिस की तरह खर्च मचो जाओ। माचिस जलाई, जल गई, तुम धीरे धीरे जलो, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। जहां तक होता है मैं अपना करता रहता हूं। तो इस सारी थियरी ने मुझे एक ही चीज दी, देखिए मैं तो ओरिजिनल नहीं हूं ना, मैं तो दूसरों का लिखा हुआ उसको थोड़ी सरल भाषा में, कोशिश करो तो और सरल भाषा में नीचे तक ले आओ। तो मेरी चिंता यह थी कि मेरा हिंदी का विद्यार्थी किसी भी थियरी को जानने के लिए अंग्रेजी वाले का गुलाम न बने, खुद जानता है, किसी से छोटा नहीं है। और ये मैंने इसलिए पाया था, अंग्रेजी डिपार्टमेंट हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के ऊपर था, तो मैं पाता था कि वो कुल मिलाकर के हिंदी किताबों पर रिसर्च करा रहे हैं अंग्रेजी में। कोई महिला लेखिका का करा रहा है, कोई दलितों का करा रहा है, तो मैं सोचने लगा कि ये अंग्रेजी के राइटर्स को तो रिसर्च का विषय बनाते नहीं, ये हिंदी का ही बना रहे हैं, तो इनमें ऐसी क्या खास बात हो गई। मेथोडोलॉजी इनको आती नहीं प्रॉपर, मैं कोई उनको छोटा नहीं कर रहा हूं, बड़े ज्ञानी और अच्छे विद्वान लोग थे। तो उसी बीच में सोपान जोशी, जो प्रभाष जोशी जी के बेटे हैं, वो ऑनर्स कर रहे थे, एमए कर रहे थे इंग्लिश की, उसी डिपार्टमेंट से। एकदम उनका फोन आया, सर जब दलिता वाली किताब मेरी आ गई थी, उत्तर संरचनावाद और उत्तराधुनिकता वाली किताब भी आ गई थी, कि अंकल जरा मुझे आप उत्तर संरचनावाद समझा दीजिए। तो मैंने, बेटा मैं तो हिंदी में ही समझा पाऊंगा तुमको, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? बोलो मैं कर लूंगा उसे, क्योंकि उतना भी कोई नहीं बताने वाला है। वो इंग्लिश प्रोफेसर के बेटे जी, नहीं वो प्रभाष जोशी के बेटे थे, लेकिन अंग्रेजी अच्छी जानता था, पब्लिक स्कूल में पढ़ा था देहरादून में, और इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे वो नहीं जानते थे उत्तर संरचनावाद क्या है। ये कहते वो जी जानते नहीं, मैंने पूछा भी उनको, कोर्स में लगा हुआ, कोर्स में लगा हुआ है, तो मैं उसे हिंदी में बता रहा हूं ताकि वो अंग्रेजी समझ जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि मुझे एक सुख ये है, देखिए मैं अपनी हिंदी को बहुत कमजोर भाषा मानता हूं, और वो हिंदी वालों ने कमजोर बना रखी है, क्योंकि वो उनमें जिसे कहते हैं मश्क, मेहनत करने की शक्ति नहीं है, वो फतकी खाना चाहते हैं। हिंदी समाज को या किसी भी कमजोर भाषा के समाज को मेहनती होना होगा, जितने और लोगों ने कमा के खा लिया उससे चौगुना मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपका कुछ बनेगा। समाज बड़ा जालिम है, बड़ा अन्यायपरक है, कमजोर को मार देता है। ताकत लाओ, ताकत कहां से लाओगे? दूसरों की थ्योरी लाओ, संस्कृत की। अरे तेरे पास संस्कृत की इतनी अच्छी थ्योरी है, लेकिन वो तब तक उनमें चमक नहीं आएगी जब तक तुम अंग्रेजी से उनको लड़ा नहीं दोगे। इन थ्योरी को लाओ, ये अंग्रेजी की नहीं है, ये फ्रेंच की है। 70 से लेकर के 90 के बीच तक फ्रेंच में एक से बड़ा माइंड पैदा हुआ है, दर्दा हुआ, फोको हुआ, बद्रिया हुआ, ल्योतार हुआ, सारे फ्रांसीसी है, अंग्रेज तो है ही नहीं है। तो मैं अंग्रेजी से थोड़ी ला रहा हूं, मैं अंग्रेजी के माया फ्रांसीसी से ला रहा हूं। तो मेरी हिंदी इतनी संपन्न हो जाए और मेरा हिंदी बच्चा इतना संपन्न हो जाए कि आंख में आंख डाल के बात कर सके किसी अंग्रेजी वाले से, ये मेरी तमन्ना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि तू हिंदी के लिए क्या करना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि मेरा स्टूडेंट चाहे वो केरल में हो, चाहे वो यहां कोल्लम में हो, और चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, उसमें इतनी सक्षमता हो रही है बुद्धि की, तो बराबर आंखों में आकर ढाल के बात कर सके, वो आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए। इसके लिए मैं ये सारी चीजें करता रहता हूं, मैं आपको बताऊं। और ये कितना अच्छा है, ये कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं कि नए से नए बच्चे आकर के आगे बढ़े भाई। हम लोग, मैं तो करीब 70 का हूं, नए से नए बच्चों में ताकत है, वो निकाले रास्ता, वो निकालेंगे। मेरी कोशिश यही है कि उन तक पहुंचा दी जाए बात, वो निकाल लेंगे रास्ता। आज के बच्चे बहुत ज्यादा उत्साही हैं, तो उस नजर से बात हुई। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हमारे श्रोतागणों के लिए बहुत से कंटेंट मिल गया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने बिजी रहकर भी। नहीं नहीं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने ये लिया, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक YouTube का
पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चों को फायदा करेगा।